नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक कल। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से मिलेंगे मनसुख मंडाविया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कल सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्र की बैठक होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से मिलेंगे। टीकाकरण में और तेजी लाने के लिए कल बैठक आयोजित की गई है। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को 100 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम कर भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के डॉक्टरों, नर्सों और इसमें शामिल अन्य कर्मियों का आभार जताया था। देश में टीकाकरण की तेज रफ्तार को लेकर तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी थी। अब तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 102 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। जिन लोगों ने अब तक कोरोना का टीका नहीं लगवाया है उन्हें यह वैक्सीन लगाई जा रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है और टीकाकरण अभियान को और तेज किया गया है। पटना हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, सभी जिलों के एसपी को किया तलब, आपराधिक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी का स्टेटस बताएं। पटना हाईकोर्ट के जज पीबी बैजंत्री ने सूबे के सभी एसपी की जमकर क्लास लगाई है और आपराधिक मामलों के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल पूछा है। जज ने एपीपी को सभी एसपी से इस बात की पूरी जानकारी लेने का आदेश दिया है कि आपराधिक मामलों के अभियुक्तों को पुलिस अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकी है। साथ ही पूछा है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण किया है कि नहीं, अगर आत्मसमर्पण नहीं किया है तो पुलिस उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इसके साथ ही एसपी को एक सप्ताह के अंदर पूरी जानकारी एपीपी को देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने हाईकोर्ट में लंबित अग्रिम जमानत अर्जी के मामले में एक कार्यालय आदेश जारी किया है। उन्होंने अग्रिम जमानत अर्जी के सभी एपीपी को संबंधित जिला के एसपी से केस के बारे में पूरी जानकारी लेने का आदेश दिया है। साथ ही जिला के एसपी को एक सप्ताह के भीतर वांछित जानकारी उपलब्ध करने का निर्देश दिया है। तेज होता जा रहा है डेंगू का डंक, पटना में मरीजों का आंकड़ा 100 के पार। राजधानी पटना में डेंगू के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पटना का शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां डेंगू के नए मरीज नहीं मिल रहे हैं। सोमवार को डेंगू के 24 सैंपल की जांच की गई जिसमें 11 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। ये सभी मरीज पटना के ही बताए जा रहे हैं। इसी के साथ पटना में अब डेंगू के मरीजों की संख्या 104 हो गई है। पटना में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए नगर निगम को संबंधित इलाकों में साफ सफाई कराने और नियमित रूप से फॉगिंग करने का भी निर्देश दिया गया है। अब आम लोगों से अपील की जा रही है कि वह डेंगू को लेकर सतर्कता बरते, अपने आसपास सफाई भी रखे। इधर पटना जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रैपिड किट से डेंगू जांच की सुविधा मुफ्त में बहाल की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी रोगी कल्याण समिति के फंड से जरूरत के अनुसार किट खरीद सकते हैं। फिलहाल हर पीएचसी को 100 रैपिड किट खरीदने का निर्देश दिया गया है। लालू राबड़ी राज पर बोले जीतन राम मांझी, एक अन्य मार्ग से रची जाती थी हत्या की साजिश। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू राबड़ी राज पर बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि लालू राबड़ी राज में एक अन्य मार्ग से हत्या की साजिश रची जाती थी। सूटकेस में भरकर पैसा सीएम हाउस पहुंचता था। जीतन राम मांझी ने इतना कह दिया कि मैं खुद इस बात का गवाह रहा हूं। जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू राबड़ी राज में विकास से कोई मतलब नहीं था, वे विनाश की ओर जा रहे थे। इसीलिए यदि इनकी सरकार बनी तो लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान के कयासपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने ये बातें कही। वहीं जीतन राम मांझी के बयान को राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बेतुका बयान बताया है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जीतन राम मांझी हल्की बातें न करे, यदि उनके पास कोई प्रमाण है तो उसे पेश करे। जीतन राम मांझी सीनियर नेता है और उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरह का बयान देने से वोट मिलेगा, इस गलतफहमी में वे ना रहें। मुकेश साहनी ने की सीएम नीतीश की तारीफ, बोले नीतीश कुमार के शासनकाल में अपनी खोई हुई गरिमा को बिहार ने दोबारा हासिल की। बिहार में 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर जीत हासिल करने के लिए हर पार्टी के बड़े नेता इन दिनों चुनाव मैदान में उतर गए हैं। एक ओर जहां राजद और कांग्रेस के नेता चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए के कई दिग्गज नेता
चुनावी सभा को लगातार संबोधित कर रहे हैं। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी भी तारापुर और कुशेश्वर स्थान गए, जहां चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उपचुनाव 2021 के मद्देनजर वीआईपी पार्टी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान इन विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे। मुकेश साहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास का मॉडल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि कभी भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल रहा यह राज्य अब पूरे हिंदुस्तान में सुधारों का मॉडल बन गया है। साल 2005 से पहले जो जंगल राज था, उस समय में बिहार के लोगों को सरकार से मदद मिलने की कोई आशा नहीं रह गई थी। दशकों तक बिहार राज्य गरीबी, हिंसा और भ्रष्टाचार के लिए एक कहावत बन गया था, लेकिन यह स्थिति वर्ष 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से पहले तक की थी। नीतीश कुमार ने बिहार को भारतीय सुधारों के मॉडल के रूप में बदला। नीतीश कुमार जी ने अपने 40 साल के राजनीतिक करियर में आडंबर रहित जीवन और सशक्त नेतृत्व वाली छवि बनाई है। नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार की तस्वीर बदली है। नीतीश बोले, लालू यादव हमको गोलिये मरवा दे, अगर चाहे तो गोली मरवा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों बौखलाए हैं बिहार के सीएम? अत्याधुनिक हथियारों से लैस 400 से ज्यादा जवानों की सुरक्षा के घेरे में रहने वाले नीतीश कुमार को लग रहा है कि लालू यादव उन्हें गोली मरवा सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आज नीतीश कुमार ने कहा कि लालू यादव हमको गोली मरवा दे, अगर वे चाहे तो हमको गोली मरवा सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते हैं। दरअसल पत्रकारों ने पूछा था कि लालू यादव कह रहे हैं कि वे नीतीश कुमार का विसर्जन करने बिहार आए हैं, जवाब यही मिला। वैसे नीतीश कुमार उपचुनाव में प्रचार करके वापस लौटे थे और चुनावी सभा के दौरान उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। नीतीश सभा में भी बौखलाए थे। दरअसल नीतीश कुमार आज कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हो रहे उपचुनाव में प्रचार करने गए थे। वापस लौटे तो पटना में पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, कहा लालू जी कल से चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। नीतीश बोले, जाने दीजिए, जिसको जहां जाना है जाए। दूसरा सवाल पूछा गया, लालू जी कह रहे हैं कि वे बिहार में नीतीश कुमार का विसर्जन करने आए हैं, जवाब में नीतीश कुमार ने जो कहा उसे देखिए, लालू जी गोली ये मरवा दे, सबसे अच्छा यही होगा, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर चाहे तो गोली मरवा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना। नीतीश कुमार का ये बयान किसी मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाने वाला अजूबा बयान है। बिहार में सरकार नीतीश कुमार की है और वे ही गृह मंत्री हैं, पुलिस उनकी है और कानून के राज का दावा भी उनका ही है। इसके बावजूद कोई मंत्री अपने सियासी प्रतिद्वंद्वी के बारे में ये कहे कि वो गोली मरवा सकते हैं, तो इसका मतलब यही निकलता है कि अपने ही कानून के राज पर कोई भरोसा नहीं है। सृजन में बेतहाशा पैसे लूटने वाली एडीएम पर बड़ी कार्रवाई, ईडी ने जब्त की 6.85 करोड़ की संपत्ति, 42 बैंक खातों में था ये सारा माल। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई सामने आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई की है। भागलपुर जिले के सृजन घोटाले मामले में बेतहाशा पैसे बटोरने वाली तत्कालीन एडीएम जयश्री ठाकुर की 6.85 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है। पूर्व एडीएम जयश्री ठाकुर पर जमीन अधिग्रहण की आड़ में गलत तरीके से करोड़ों रुपए की कमाई करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व अपर जिलाधिकारी जयश्री ठाकुर की 6.85 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व एडीएम जयश्री ठाकुर के 42 बैंक खातों, 16 जमीन, 1 फ्लैट और 15 इंश्योरेंस पॉलिसी को जब्त किया गया है। इनके ऊपर पीएमएलए 2002 एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 2017 के अगस्त माह में पहले सृजन घोटाले के खुलासे और फिर आरोपियों में जयश्री का नाम आने के बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया था। छठ की छुट्टियों के बाद ऑफलाइन मोड में खुलेंगे स्कूल, 50% अटेंडेंस की लिमिट भी होगी खत्म। कोरोना जैसी महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई। लगभग 2.5 साल से जूनियर सेक्शन के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में ऑफलाइन मोड में स्कूल खुले तो सिर्फ तीसरे लहर की आशंका से डरे अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, लेकिन अब दीपावली और छठ की छुट्टियों के बाद राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर स्कूलों में जूनियर क्लासेस ऑफलाइन मोड में देखने को मिलेगा। छठ की छुट्टियों के बाद अब जब स्कूल खुलेंगे तो 50% अटेंडेंस की बाध्यता भी खत्म कर दी जाएगी। एलकेजी और यूकेजी की पढ़ाई अब कोरोना महामारी के बाद शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब प्री प्राइमरी के बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। पटना के ज्यादातर स्कूलों ने इसकी तैयारी कर ली है। राजधानी के कई बड़े स्कूलों में ऑफलाइन बोर्ड में क्लास शुरू कर दिया गया है।
बिहार के 6 शिक्षकों को सरकार ने किया सस्पेंड, गलत तरीके से वेतन लेने का आरोप। बिहार के सासाराम में नौहट्टा प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में कार्यरत 6 शिक्षकों को सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये टीचर्स भवनाथपुर, जयंतीपुर और मधुकुपिया विद्यालय में तैनात थे। इनके ऊपर अनाधिकृत रूप से वेतन की राशि निकालने का आरोप है। इनके ऊपर तथ्यहीन स्पष्टीकरण देने का भी आरोप है। नौहट्टा के प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुराग आदित्य ने यह कार्रवाई की है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के आदेश पर BDO ने शिक्षकों को निलंबित किया है। इन शिक्षकों पर अनाधिकृत रूप से वेतन की राशि निकालने का आरोप है। जानकारी के अनुसार 20 जुलाई को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नौहट्टा प्रखंड के विद्यालयों की जांच की गई थी। बिहार में वैक्सीन नहीं लेने वालों का बंद होगा राशन, कानूनी कार्रवाई भी होगी, DM का फरमान जारी। बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की जा रही है, लेकिन इसी बीच एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। DM ने एक फरमान जारी किया है जिसके मुताबिक कोरोना का टीका नहीं लगवाने वालों का राशन बंद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कोरोना जांच नहीं करवाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। जिलाधिकारी के इस फरमान के बाद से जिले में हड़कंप मच गया है। दरअसल मामला गया जिले का है। यहां DM अभिषेक सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी BDO प्रभारी, चिकित्सा पदाधिकारी, SDO, BEO, BPM, जीविका, CDPO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की थी। बैठक में DM ने कहा कि जिन लोगों ने अब तक कोरोना का टीका नहीं लिया है, उन्हें 1 नवंबर से PDS से राशन नहीं मिलेगा। जन वितरण विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे उपभोक्ताओं को राशन देते समय टीकाकरण प्रमाण पत्र अवश्य देखें। ऐसे लोगों को समय समय पर COVID-19 की जाँच करानी होगी। इनकार करने पर उन पर आपदा एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।